जो सरकार के पास पेंशन होता है ना, पेंशन के लिए फंड हर साल उसको रखना पड़ता है। जो पेंशनर्स हैं उसकी सुविधा के लिए उनको हर साल एक हेड के, एक निश्चित हेड के नीचे, पेंशन हेड के नीचे उसको बजट अलाट करना पड़ता है। नहीं तो पेंशनों को हर साल जो पेंशन दी जाती है वो कैसे दी जाती है, वो उसका हर साल उसका जो महंगाई बढ़ती है तो भत्ता बढ़ता है या पे स्केल रिवाइज होते हैं, तो जो बढ़ोतरी होती है उसके लिए भी अलग से फंड उसको एक हेड में रखने पड़ते हैं। नहीं तो अब तो ऐसे हो गया है तो पेंशन जो पेंशनर है उसकी पेंशन एजी को बना के भेजते हैं, वो एजी पेंशन सेंक्शन करता है, ग्रेजुटी सेंक्शन करता है। वो जो पेंशन ग्रेजुटी है वो किस बैंक से लेनी है तो वो व्यक्ति फॉर्म में भर के देता है, मुझे फलाने स्टेशन से फलाने बैंक से पेंशन दी जाए, तब उसको उस बैंक से पेंशन मिल जाती है। और सरकार जो बैंक पेंशन देता है वो सरकार से इसका फिर क्लेम बना के देता है कि हमने आपके पंजाब गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, डिफेंस फंड को, डिफेंस को इतनी इतनी पेंशन दी है। वो अलग अलग सरकार को, अलग अलग डिफेंस को, वो मतलब जो पंजाब, जो पंजाब सरकार को मतलब उसका रिइंबर्समेंट भेज देता है, जो सेंट्रल का तो सेंट्रल को भेज देता है, कईयों की डेट आ जाती है और डेट उसको पोस्ट कर देते हैं।